हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सैटरडे का दिन है और यहाँ पे मैं किचन से स्टार्ट हो गया है मेरा व्लॉग। अब बच्चों के लिए बना रही हूँ सैंडविच। हस्बैंड चले गए हैं, उनके लिए रोटी बनाई थी मैंने। वो ज़्यादा पसंद नहीं करते सैंडविच वगैरह, तो आलू उबले थे उनके लिए, आलू की सब्ज़ी बना के रोटी बना दी थी मैंने। और इन बच्चों के लिए बना रही हूँ सैंडविच, तो इसमें डाल दिया है जो जो डालते हैं, नमक मसाले चाट मसाला वगैरह सब मैंने डाल दिया था, सब डाल के मिक्स कर दिया है। और मेन बच्चों को सैंडविच बनाने हैं तो उन्हें चाहिए टिक्की वाले, मतलब बर्गर टाइप का सैंडविच चाहिए उन्हें। तो ये अरारोट डाल दिया है। अरारोट ना पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला था तो मैंने एक चम्मच डाला था, तो उससे बाइंडिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी, तो इस बार मैंने 2-2.5 चम्मच डाल दिए हैं। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें ये मिक्स नहीं हो रहे थे तो फिर मैंने ये बड़ी प्लेट में ले लिए थे, मैंने सोचा इसमें हो जाएंगे बट नहीं हुए, फिर मैंने बड़ी प्लेट में ले लिया था। तो अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं और इसके बाद बनाऊंगी बच्चों के लिए, पहले टिक्की बनाऊंगी, उन्हें टिक्की वाले बहुत पसंद है, बर्गर देखते हैं। तो ये मेरी टिक्की स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट टाइम मैंने टिक्की बनाई थी तो मैं 9th क्लास में थी, कुकिंग होती थी ना, तो कुकिंग में बनाई थी होम साइंस में। तो बस यहाँ पे टिक्की बना रही हूँ, और अभी ऐसी रफली बना रही, कोई बिल्कुल वो स्टाइल से नहीं बना रही, ऐसी रफली बना रही। वैसे तो बिल्कुल डीप फ्राई करके ना उसमें ज़्यादा ऑयल हो जाता है डीप फ्राई में, तो इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। इसमें यह है कि हल्का हल्का ऑयल लगता है, इतना नहीं लगता है, डीप फ्राई में ज़्यादा लगता है। तो बस ये जैसे जैसे होती जाएंगी इन्हें थोड़ा थोड़ा पलटते जाएंगे, और इतनी बिल्कुल करारी तो हमें ऐसे करनी है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बना है सैंडविच का। तो बस आप देखते जाइए कैसे मैं टिक्की बना रही हूँ। और मेरे हन्नू को बहुत पसंद है, वो ना टिक्की ऐसे भी खाता है, और आरब को भी वैसे भी पसंद है। तो एक दिन होने के लिए वो बनाऊँगी, चाट बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास चटनी बनानी, मुझे चटनी ख़त्म हो गई है, चटनी बनाऊँगी फिर चाट बनाऊँगी एक दिन, तो खिलाऊँगी आप लोगों को भी, बस नज़रों से ही, वैसे तो खा नहीं सकते। तो जैसे जैसे ये टिक्की वैसे हो गई थी तो ये मैंने साइड में रखी थी, और इसको वैसे से स्पीड में कर रखा है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा कितनी जल्दी हो रहा है, बट इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, वीडियो स्पीड में, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो बस बना रही हूँ, और बच्चों को पसंद भी आ गए थे सैंडविच। तो टिक्की बनाते बनाते वो क्या बोल रही थी मैं, जैसे मैंने अभी ये अरारोट ज़्यादा डाला है तो अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, देखो मतलब टिक्की टूट नहीं रही है, नहीं तो जैसे आलू आलू की सिर्फ बनाओ ना तो उससे टूटती है। और तो यहाँ पे मेरी टिक्कियाँ बन गई हैं, और इसके बाद मैं करती हूँ अब इन्हें मतलब वो सैंडविच का। तो मेयोनीज ले ली है एक, उसमें एक में सॉस ले लिया मैंने, और टिक्की हैं। तो और हन्नू का था कि मुझे अनियन वाला चाहिए, अनियन भी चाहिए, वैसे मैं इसके बीच में डाल देती जैसे टिक्की के साथ, बट आरब को नहीं चाहिए था तो इसलिए मैंने अलग अलग किया। तो दोनों बच्चों के अलग अलग पसंद है, एक में मैंने लगा लिया है मेयोनीज, एक में लगा लिया है टमाटो केचप, तो ये लगा के फिर ऊपर से रख दूँगी मैं टिक्की। और इन्हें टिक्की कैसी चाहिए थी, ये बिल्कुल फुल होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी जगह नहीं होनी चाहिए। तो डेढ़ डेढ़ टिक्की मैंने रख दी है तोड़ के बच्चों के लिए, और क्योंकि जब उनके हिसाब से उनके पसंद का ही बनना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने अनियन रख दिया है हन्नू के लिए, और आरब के बनाऊँगी बिना अनियन के। तो ये मैंने बस ऐसे ही सब मिक्स करके रख दिए थे, फिर बाद ही आती है ये बनाने की इसमें टोस्ट। और मेरा ना ब्रश ही नहीं मिल रहा था, मैं ब्रश ढूंढते ढूंढते फिर मैंने कहा चलो चम्मच से ही ऐसे ऑयल डाल दे, पर ब्रश से ना अच्छे से फैल जाता है, और बाद में ब्रश था तो बिल्कुल भी यहीं पे ही था, मैंने ना वो घी के डब्बे के अंदर रखा हुआ था। तो ये सैंडविच मेकर में बना दूंगी, मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें कैसे सैंडविच, वैसे इलेक्ट्रिक वाला ठीक रहता है और ये भी ठीक रहता है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, मतलब ठीक है, जगह है नहीं इलेक्ट्रिक लिए, इतना सा तो किचन है कहाँ रखे, तो इस वजह से मैंने यही बनाया। तो ये बन गए हमारे सैंडविच, तो निकालूंगी मैं तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे बने। तो ये बन गए हमारे सैंडविच यम्मी यम्मी से। तो आज का ब्रेकफास्ट है हमारा। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो 11:30 हो गए हैं, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, कर रहे हो? तो इन्हें बिठा रखा ज़बरदस्ती मैंने, हन्नू हो गया यार। हाँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, सुबह बना था सैंडविच जैसा आपने वीडियो में देखा ही होगा, और तो सैंडविच खा के मज़ा आया। हाँ तो सैंडविच खाया तो मैं आपको दिखा रही थी, ये ट्राईपॉड ये लाई हूँ मैं उस दिन मार्केट गई थी ना, मैं भूल गई थी दिखाना, तो इसको इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है, रिव्यू समझ लो रिव्यू। तो ये है, ये मैंने ज़बरदस्ती डाला ना, ये अटक गया था, तो ये है इसका, यहाँ वो कैमरा फिट होता है, और ये ऐसे है, मतलब ये ऐसे कम कर और ऐसे भी घूम जाता है, तो ये है इसका, और ये ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूमता है, और है ये वैसे सेल्फी स्टिक है, ट्राईपॉड नहीं है, और ये है इसका कैमरा, और इसे ये ऐसे लंबा हो जाता है, सेल्फी स्टिक है ना, तो
इतनी इसकी लंबाई है, इतनी इसकी लंबाई है। और ये यहाँ से स्टैंड भी हो जाता है, स्टैंड भी बन जाता है इसका। ये खोल के ये ऐसे टिक जाता है, मतलब तो जैसे व्लॉगिंग करते करते हमें कहीं पे फ़ोन रखना हो तो जैसे, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है व्लॉगिंग के लिए। और ये इसका रिमोट है, रिमोट है, तो जैसे हम रिमोट निकाल के ऐसे दबा के भी फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे है तो ये ऐसे हम कैमरे से, और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, सेल इसमें होता है, तो सेल लगते यहाँ से ये ऑन होता है, थोड़ी देर प्रेस करके अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट, एक बार कनेक्ट कर दे फिर उसके बाद मतलब इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये यहीं पर सेव भी हो जाता है। तो बस ये है, तो मैंने कहा चलो मैंने लाई हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि कैसा ये है। तो ये है, और बिल्कुल हैंडी है ना, हम कहीं भी ऐसे लेके जा सकते हैं पर्स में, जैसे अपने डाल के लेके जा सकते हैं। बड़े बड़े ट्राईपॉड का ये होता है कि ले जाने में दिक्कत होती है, बट ये अच्छा है। और वैसे फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं अपने, मतलब जैसे हम कहीं घूमने गए। तो मैंने कहा चलो आप, मैं लेके आई हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, तो कैसा लगा आप लोगों को बताना ये। तो अब मैं पहले कपड़े डाल के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, कुछ और भी दिखा रहा है आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं कपड़े धुल के, और लाई हूँ राशन। तो राशन लेके आई हूँ तो यही दिखाती हूँ। उसी दिन जिस दिन हम मार्केट गए थे, मतलब परसों ला गए थे मार्केट, तो शायद पहले दिन चले गए थे, तो परसों लेके आ गए थे राशन। बट ये वहाँ परसों रात हो गई थी, फिर कल हम ऐसे ही भागा दौड़ी वहाँ जाना पड़ा हमें। तो मैंने कहा चलो आज दिखाती हूँ कि क्या क्या लाई हूँ मैं राशन में। तो सबसे पहले हमारे बच्चों का होता स्टार्ट जैम, और मीडियम वाला नहीं था वहाँ तो यही लिया है, तो मैंने कहा चलो अप्रैल तक चल जाएगा ये। और छोटा वाला क्योंकि होता नहीं है पूरा, और सॉस, ये दो तो ज़रूर ही आते हैं बच्चों के लिए, जैम और सॉस। और शैम्पू लाई हूँ, हेड एंड शोल्डर है, ये है डेटॉल है, और तेल है, और ये पता नहीं दो मैंने ही रखे, किसने रखे, दो ले आई हूँ फेस वॉश, और विम बार एक छोटा एक बड़ा, और दो कोलगेट है, और ब्रश है, चाय पत्ती है, जीरा है। आज इस बार मैं ये वाला साबुन लाई हूँ, मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं एक बार, पहले करते थे ना मम्मी लोग यूज़। और दाल में लाई हूँ, अरहर की दाल है दो पैकेट, एक दाल ये है काली चने की दाल है, छोले बस दाल में यही लाई हूँ, बेसन भी ये लाई हूँ, और ये चार पैकेट ओट्स की लाई हूँ, धूप बत्ती, और वो हैंड वॉशी वाले लाए हैं पाउच वाले ना, ये अच्छे रहते हैं, इनमें थोड़ा सा पानी डाला मतलब एक बार के लिए, तो चार पाउच ही लाई हूँ। और रिफाइंड और तेल वो खाली कर दिया है, भर दिया है, मतलब यूज़ कर लिया कुछ सामान ना, और भी शायद बहुत कुछ यूज़ किया, तो इतना था राशन मैंने का दिखाती हूँ। दाल में सारी नहीं लाई, यही लाई चने, अब बहुत सा सामान मैं भूल गई हूँ। अभी मुझे पोहा भी लाना है, वहाँ था नहीं उस समय, पोहा लाना है, और बेसन ये कम है, बेसन भी लाना है, मतलब अभी लाना है बहुत रिफाइंड, इसलिए हम एक ही पैकेट लाए थे ना, इन्होंने कहा था कि मुझ मैं वो लेके आऊँगा कहीं से लाना है, इन्होंने कहीं देख मतलब बात की होगी कि ऑयल लाना है, कनस्तर बोल रहे थे ये वो लाना, इसलिए हम कम लाए अभी फ़िलहाल, हमने कहा यूज़ के लिए ले जाते हैं। एक पैकेट तेल लाए हैं और एक पैकेट रिफाइंड लाए, अब पिछली बार से हम ऑयल यूज़ कर रहे थे लेकिन इस बार हमने तेल यूज़ किया है, मतलब इस बार रिफाइंड लाए, तेल यूज़ कर रहे थे, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो ये सब राशन है, ये दिखाना चाह रही थी मैं आपको कि क्या क्या लाई हूँ मैं राशन में, क्योंकि अब रिफाइंड ये लाएंगे, बेसन भी लाना है, पोहा भी लाना है, एक ही जगह से लाना है इन्होंने ना, वहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा थे और जहाँ से इन्होंने लाना वहाँ कम, ऐसा कुछ है पता नहीं क्या है मेरे को भी। और सॉसेस ख़त्म हो गए हमारे, जो ये चिली विनेगर वगैरह ये सब इन्होंने वहीं से लाना, थोक का सामान मिलता है मतलब वहाँ,
तो ये सब सामान वहाँ से लाने, क्योंकि और चीज़ वैसे तो सारा सामान ले आते हैं लेकिन वहाँ से फिर इनको दिक्कत होती है लाने में ना, तो ये सामान तो यहीं से ले रही है वो, और उन्होंने कहा वहाँ से लाऊंगा, तो देखते कब लाते हैं क्या लाते हैं। तो ये है मेरा राशन, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।